आज इस वीडियो में बात करने वाले वर्ल्ड कप के मैच नंबर 41 जिसमें श्रीलंका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीडूके के प्रेडिक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड की चैंपियन टीम जिसने पहले टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतकर स्टार्टअप तो अच्छा किया था, लेकिन अब लगातार 4 मैच हारकर मुश्किल में पड़ गए हैं। अब अगर उसे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो ये मैच न्यूजीलैंड को जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर श्रीलंका की कमजोर टीम जिसने टूर्नामेंट में अभी तक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया, लगातार मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लास्ट मैच में वो बांग्लादेश से भी हार गई थी। अब आगे बात करते हैं पहले दोनों टीमों का वर्ल्ड कप हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे टोटल मैच 11 खेले गए थे तो वहीं पे श्रीलंका 6 मैच जीत के आ रही थी, न्यूजीलैंड 5 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन देखते हैं। इस मैच के दौरान दोपहर में बारिश होने की आशंका है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि बारिश के कारण मैच कम होने पर उनके पास स्मॉल टारगेट होगा। वहीं अगर देखते हैं पिच रिपोर्ट, एम एस चिन्नास्वामी स्टेडियम के पिच बैटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। बॉलर्स यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए कोई चांस नहीं है और स्पिनरों को पिच से हेल्प नहीं मिलता है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैच होता है, बैटर्स तुरंत ही लाइनअप हिट करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर अगर वेदर रिपोर्ट देखें तो जहाँ पे बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और मैच के दौरान दोपहर में बारिश मैच बाधित हो की आशंका है। दिन में ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे, दोपहर और शाम में कुछ गरज के साथ बौछारें पड़ेगी। अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। न्यूजीलैंड जहां पे लगातार 4 मैच हार चुकी है उसकी सेमीफाइनल की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। वे अभी भी 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर स्टेबल है, लेकिन अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद उनका NRR 0.98 तक गिर गया है। न्यूजीलैंड अभी भी आगे बढ़ सकती है अगर वे बेंगलोर में अपने अगले मैच श्रीलंका को हरा दे, फिर उन्हें उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिनके पास भी 8 अंक है अपने अंतिम लीग में इतने बड़े मैच बड़े अंतर से न जीते, नेट रन पर उनसे आगे निकल सकेगा। हालांकि बारिश का खतरा मंडरा रहा है, न्यूजीलैंड का आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ने की भी आशंका लग रही है। यदि ऐसा होता है तो उनके पास केवल 9 अंक होंगे और प्रार्थना करनी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने शेष मैच हारकर 8 अंक पर बने रहें। और वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका 11 मैचों में आमने सामने हुए हैं। श्रीलंका ने उनमें से 6 मैच जीते हैं जबकि कीवीज ने 5 मैच जीते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड ने अपने पिछले 4 मैच गंवाए हैं, फिर भी वे श्रीलंका की तुलना में कहीं एक बेहतर ऑलराउंडर टीम है। उनकी बैटिंग यूनिट अच्छी पोजीशन में है, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, या उनके बॉलर से जो पिछले कुछ मैचों में फेल हो रहे हैं। इनके अलावा न्यूजीलैंड श्रीलंका के लिए एक मजबूत ओपोनेंट साबित हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 7 एक दिवसीय मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं की है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए अपने लास्ट मैच में एक पॉजिटिव चीज़ केन विलियमसन की वापसी है। कप्तान ने केवल 79 गेंदों में 95 रनों की शानदार पारी खेली थी। लंकाई बॉलर्स को रचिन रविन से भी सावधान रहना होगा जो असाधारण फॉर्म में है। अब वो टूर्नामेंट में टॉप रन गेटर में से एक हैं, जिनमें केवल 8 पारियों में 74.71 की एवरेज और 107 स्ट्राइक की रेट से 523 रन बनाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले कुछ मैचों में अपनी लय प्राप्त कर ली है और बड़े शॉट लगा रहे हैं। कीवी टीम कुछ तेज रन बनाने के लिए हार्ड हिटिंग बैटर्स को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेज सकती है। कुछ शुरुआती विकेट हासिल करने के लिए जिम्मेदारी टेंट बॉल पर भी होगी। टीम सऊदी और मिचेल स्टेंटन ने पिछले मैच में इस विकेट पर अच्छी बॉलिंग की थी और उन्हें यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। स्पिन बॉलर मिचेल स्टेंटनर को भी यहाँ अच्छा परफॉर्म करना होगा। वहीं अगर बात करें की प्लेयर्स, जहाँ पे केन विलियमसन, रचिन रविन, टॉम लैथम, तो ये रहे टीम का स्वॉट एनालिसिस। अब अगर बात करते हैं श्रीलंका टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो पहले ही टूर्नामेंट में हार के चलते टीम ने सबसे नीचे पर, अब टीम की कोशिश होगी कम से कम कुछ मुकाबले जीते और चैंपियन ट्रॉफी 2023 में क्वालिफाई करें। टॉप 8 टीम ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी। फिलहाल लंका 8वें स्थान पर है, यहाँ जीत उन्हें टॉप 7 में पहुँचा सकती है। वहीं अगर बैटिंग यूनिट में बात करें, जहाँ पर टीम बड़े स्कोरिंग के लिए फॉर्म में चल रहे हैं, कुशल मेंडिस, पथुम निशांका, तेजतार ओपनर कुशल परेरा, चैरित श्रीलंका, सदीरा समर विक्रमा, धनंजय दे सिल्वा पर निर्भर होगी।
श्रीलंका ने लास्ट मैच में शतक मारा था, इस मैच में भी वो कमाल कर सकते हैं। एंजिलो मैथ्यू को लास्ट मैच में हुए विवाद को भूल आगे बढ़ना होगा। इस मैच में कप्तान कुशल मेंडिस अच्छा परफॉर्म करेंगे। टूर्नामेंट की गुड स्टार्ट के बाद उनका फॉर्म खराब हो गया था। इस बैटर्स को आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की जरूरत है। वहीं अगर सदीरा समर विक्रमा की बात करें, अब इस विश्व कप में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 8 पारियों में 62 की एवरेज से 372 रन बनाए हैं। उन्हें इस पिच पर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। श्रीलंका के बॉलर्स की बात करें, उन्हें लगातार अपसेट किया है। दिलशान मधुशंकर ने बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे हैं। 2023 विश्व कप में 22.23 की एवरेज से 21 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली अन्य किसी बॉलर्स को उनको हेल्प नहीं मिलेगी। वे अगर रन लुटाते रहे, कासुन रजिता, दुष्मंत चमेरा और महेश थिक्सना जैसे बॉलर्स को बहुत मेहनत करना होगा। लाइन में बॉलिंग करने की जरूरत होगी। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में टीम समय पर सफलता दिलाने के लिए दुनित बेला जेल, दिलशान मधुशंकर, मथीसा पथिराना और पर निर्भर होगी। तो ये रहे श्रीलंका का एनालिसिस। अब बात करते हैं की प्लेयर्स देखते हैं, जहाँ की प्लेयर्स में कुशल मेंडिस है, सदीरा समर विक्रमा है, मधुशंकर है। इस पर डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं मैच विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का फाइनली मैच विनर श्रीलंका की टीम होगी, क्योंकि श्रीलंका की टीम अच्छी फॉर्म में है अगेंस्ट न्यूजीलैंड के, या फिर न्यूजीलैंड को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।